कैसे अब आगे की जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, या आप ये कहना चाहेंगे इसलिए बीजेपी ने नहीं 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 मैं क्या कहना चाहूँगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 सीटें आप बीजेपी की जीती हुई बता रहे हैं, उनमें एक पे मार्जिन 1,000 वोट का है और दूसरे पे तकरीबन इतना का है, 2-2.5-3 हज़ार का। और वो व्यक्ति कल तक कांग्रेस में थे, आज वो, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला करके अगर आप देखें तो स्पष्ट है चीज़ें। अब मुझे दुख इस बात का है कि ये चीज़ें मैंडेट में भी आई थी लोकसभा के, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल है कि मानता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब की बार 400 पार से 240 के लाले पड़ चुके हैं। तो और किसी बात की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नेंस जो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सामूहिकता की हो, लोक सरोकार के मुद्दों पर बात करिए, रेटोरिकल चीजों से नीचे उतरिए। सबसे विकराल समस्या बेरोजगारी है, उस पर बात करिए, आप उस पर करते ही नहीं है। सामाजिक सौहार्द आप उस पर करते ही नहीं है। मणिपुर आप उस पर करते ही नहीं है। चाइना बॉर्डर आप उस पर करते ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात आप उस पर बात करते ही नहीं। तो चाहे मैंडेट हो लोकसभा का और ये मैंडेट हो, साझा स्वरूप देखिएगा तो एक व्यक्ति के व्यक्तिवादी विमर्श को झटका है। लेकिन बीजेपी बंगाल के मजुमदार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है कि कई बूथों पर बीजेपी को 3 वोट मिले, 4 वोट मिले, एक तरीके से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं क्या नहीं ये वोट ही नहीं होगा तो 3 वोट 4 वोट से ज़्यादा कहाँ मिलेगा। ये तो 3ों सीटें आपकी थी, 4 में से 3 क्यों हारे। मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए ना। 3 ही लोगों ने डिसाइड किया होगा, वो भी रिग्रेट करेंगे। अगली बार हो सकता है 3 भी ना आए। तो शिकायत करिए तो कुछ पुख्ता यकीन हो, ऐसे ही कि सिर्फ हमको 3 वोट आए 4, ये शिकायत बेमानी है। सर, ओवैसी साहब कल महाराष्ट्र में रखी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की, उनका ये मानना है कि 14% मुसलमानों में से 4% भी पार्लियामेंट के अंदर जो है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अपर कास्ट ओबीसी बराबरी पे आ गए हैं, मुसलमानों को सोचना चाहिए। क्या ये जो वो बात कह रहे हैं ये चिंता की नहीं, बातें मैं हैं? सीधी सी बात कहूं, बीते 10 वर्ष में देश के विमर्श को बहुत गदला कर दिया गया। गांव गांव बट गए, घर बट गए, दीवारें खड़ी हो गई, नुकली नुकीली दीवारें, उसको तोड़ने का काम चल रहा है। टूटेगा, मैं ओवैसी साहब से बस इतना कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें होंगी, थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। और हाँ, उनकी स्क्रिप्ट को मजबूत मत करिए। आप देखेंगे बहुत जल्द हमारे पार्लियामेंट का, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज का करेक्टर रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन जिस तरह का पोलराइजेशन का माहौल कर दिया था, भाई भाई से बात नहीं कर पा रहा, क्या कर दिया इस देश को, तो उसको मलहम की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक अगला चुनाव होगा, ये जो चिंता है ना, कितनी जेन्युइन चिंता है ओवैसी साहब की मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो अपने किले में महदूद है, उनकी चिंता का निराकरण होगा। सर, जम्मू कश्मीर के तमाम जो नेता हैं इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं ये म्युनिसिपैलिटी की तरह एकदम नहीं बना नहीं दिया गया देखिए, है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, पहले तो अव्वल राज्य का दर्जा ले लिया। हम सब ने सदन में अपनी चिंताएं रखी, नॉर्मेलसी नॉर्मेलसी नॉर्मेलसी, जमीन खरीद लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, आज हालात क्या है, आम शहरी मारा जा रहा है, हमारे जवानों की शहादत होती है। आप तो निवृत्त हो लेते हैं, माल्यार्पण किया, तिरंगे में लिपटा हुआ शव जब घर जाता है, उस घर पर क्या बीतती है। तो कमोबेश अगर आप देखें, सरकार क्लूलेस। तो क्या करते हैं, क्लू कहाँ मिला आपको। राज्य सरकार मतलब एलजी को अधिक अधिकार दे दो, ये दिल्ली में प्रयोग कर चुके हैं। मैं तो कहूंगा इनकी पूरी की पूरी नीति और नियत है कि राज्य नाम की अवधारणा को खत्म कर दिया जाए। जो है हम हैं, यहीं से सब चलेगा। दिल्ली या दिल्ली के जो वहां पर वो बैठे नहीं, ब्रिटिश पीरियड में था कि वाइसराय का काम, वही सिस्टम ये इनके दिल के अंदर वो बैठा हुआ। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। अपोजिशन हमेशा बीजेपी पर और प्रधानमंत्री से एम्प्लॉयमेंट की बात करती रही है। कल उन्होंने एक जिक्र किया आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले की 8 करोड़ नौकरियां जो हैं अब तक दी गई हैं। ये विकास, अपोजिशन पे कहा कि ये विकास से दूर रहते हैं,
इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा नौकरियां बढ़ती जाएंगी। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ बोल रहा है। खुद अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या कहता है? अब युवा जो सड़कों पे है ना, उसको बताइए कि ये फलानी रिपोर्ट आई है, तुम सबको रोजगार मिल चुका है, स्वागत करेंगे आपका। कमाल के लोग, हकीकत स्वीकार करिए। आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और उसके बाद जो जुबान पे आपके ताला लगा, उस ताले की चाबी कहाँ गुम हो गई पता ही नहीं। अभी देखिए बिहार में, बिहार में तेजस्वी जी जब सरकार में, नीतीश जी के साथ, नौकरियां मिलने लगी। युवा की आकांक्षा नौकरी है भाई, उसको रोजगार चाहिए। आप उस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पूरे चुनाव में आप नौकरी और रोजगार पे बोले एक बार नहीं। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोंटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा, इस विमर्श में नौकरियां गुम हो गई। तो उस हकीकत को स्वीकार करिए और ये आंकड़ों की बाजीगरी खत्म करिए।